वो एक व्यापारी के रूप में दोनों भी संध्या समय में मेहर वहां बैठे थे, अपनी तपस्या में ध्यान लगाकर बैठे थे, और वो दोनों आए। अब कहा कि हे महाशय, आप कितने दिन से यहाँ बैठे हैं? आपकी था कि हमने भाई बहुत सुनी है, हम आपसे एक ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों व्यापारी हैं, यहाँ से व्यापार से हम दूसरे नगर को जाकर व्यापार करना चाहते हैं, ये बता दो कि हम कौन सा व्यापार करें और क्या करने से हमें लाभ होगा। निखिल एक मिनट तक रुके और कहा कि आप 5 मिनट यहाँ बैठ रहा हूँ, मैं आपके बारे में बताता हूँ। 5 मिनट में उन्होंने अपने देवांगना को बुलाया, कहा कि इसका ये क्या चाहते हैं? तो देवांगना हंसकर कहा कि ये व्यापारी नहीं है, और उनका ज्योतिष निकल गया। और रामदेव ने कहा कि हे जो भी तुम जो भी वृत्ति हो यहाँ आए हो, तुम व्यापारी नहीं हो, तुम एक महान राजा हो और ये तुम्हारा मंत्री है। तुम्हारे माँ बाप में दोनों, तुम्हारे बाप को 2 बीवियां है, एक बाप का बेटा है, एक बाप का ये है, ये मंत्री और तुम राजा हो, और तुम केवल मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए हो। लेकिन ये बात याद रखो कि तुम जिस कारण परीक्षा लेने के लिए आए हो, तुम्हारा यहाँ से 8वें दिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कार्यक्रम होगा, और दुर्घटना में आपको बहुत आहत होगी। ये बात सुनते ही दोनों में लगा कि ये बहुत पहुंचा हुआ व्यक्तित्व है, और उन्होंने विक्रमादित्य ने अपने पास लेकर चले गए और कहा कि तुम हमारे आज से नवरत्न में से एक श्रेष्ठ आचार्य बनाओ, और आपको मैं मिहिर आचार्य का नाम देता हूँ। विक्रमादित्य के राज चिन्ह था, उसमें वराह का अवतार था, राज चिन्ह है, राजा का चिन्ह वराह बनता है, और वो वराह के आराधक थे, और उसके विक्रमादित्य के सम्राट विक्रमादित्य के ध्वज का चिन्ह या उनके राज चिन्ह को वराह के नाम से जाना जाता था। एक दिन बात ऐसी हुई कि बैठे हुए अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तो सभी राज्यों में बैठने के बाद वीर ने बैठते हुए कहा कि हे राजा, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्यापार का मुहूर्त आया है, उस व्यापार के मुहूर्त के दिन जो भी कोई भी व्यापार करो, उस व्यापार में अगर वो व्यापार में बहुत उन्नति पाएगा, उसको धन आदि बहुत से आएंगे, यह कम से कम 12 साल में एक बार मुहूर्त आता है। इनके भावों को जानकर उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि मैं व्यापार कल के एक ही दिन में क्या व्यापार करूं? तो राजा ने एक अनाउंसमेंट दे दिया कि मैं कल से विशिष्ट व्यापार एक बाजार खोल रहा हूं, तुम्हारे पास जो भी बेकार चीजें हैं वो लाकर मेरे मुझे बेच दो, मैं वो खरीदूंगा। बेकार चीजें तुम्हें जो काम नहीं आती ऐसी चीजों को मुझे दे दो, मैं खरीदूंगा, ऐसा राजा ने बोल दिया। अब लोग देखने लगे कि सब बेकार की चीजें, अपने में जो भी बेकार की चीजें लाके देने में बाजार भरते गया, राजा खरीदते गया। बाद में एक लोहार था जिसके घर में दरिद्रता थी, बहुत टूटे फूटे सब लोहे के चीजें पड़ी हुई थी, उसने वो लाकर राजा ने वो सब अपने राज दरबार में ला ली, और मिहिर आचार्य को कहा कि मैंने व्यापार ऐसा व्यापार किया है कि जो बेकार चीजें उसको खरीदा है, क्या मैं इसमें धनवान बनूंगा? मिहिर ने कहा, मैंने आपको व्यापार करने के लिए कहा था, अब आगे देखना इसका क्या होता है। राजा रात्रि में सो गए तो रात्रि में देखा कि उनके घर में राज्य लक्ष्मी बाहर चले जा रही है, लक्ष्मी नारायण के रूप में लक्ष्मी नारायण भी बाहर जा रहे हैं। तो राजा ने रोककर कहा कि आप क्यों बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो उन्हें कहा कि तुम एक दरिद्रता भरे लोहे को तुमने घर में लाया, जबकि तुम स्वर्ण को घर में लाते या चांदी को घर में लाते, हीरे जवाहरात को घर में लाते, धन धान्य को घर में लाते, व्यापार करते श्रेष्ठता थी, आपने लोहा घर में लाया और वो दरिद्रता का कारण है, और वो दरिद्रता जहां आती है हम वहां नहीं रहते, हम चले जा रहे हैं, ऐसा राजा को उन्होंने कहा। तो राजा ने कहा कि आपकी बात सही है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लोहे को लाता हूँ, क्या मैं लोहे को बाहर निकाल दूं तो आप यहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लोहे के बारे में निकाल देने पर हम आएंगे नहीं आएंगे। राजा ने कहा अगर आपके पास लोहा बेकार है तो शस्त्र किससे बनता है? शस्त्र बनने के लिए तो लोहा ही चाहिए, कैसा लोहा चाहिए? हम कोई भी अपने अस्त्र शस्त्र को बनाने के लोहे का उपयोग करते हैं। हे माता, आप ये बताओ कि लोहे का उपयोग अगर मैं उन शस्त्रों के लिए करूं और उन अस्त्रों के लिए करूं तो क्या आप इस घर में रहोगी या जाओगी? तो दोनों भी लक्ष्मी नारायण अपने जिस पद्धति से विचार करके उन्होंने कहा शस्त्र बनना तो है, तो दुर्गा माता वहां आई और कहने लगी तुम अस्त्र शस्त्र बनाओ, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। अब राजा को लगा कि हम नहीं रहने की बात करें और दुर्गा आने की बात कह रही है कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगी।
तो दुर्गा को जब लक्ष्मी नारायण ने देखा कि तुम आओगी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यही डर था कि लक्ष्मी नारायण यहाँ आ गए, दरिद्रता आ गई तो दरिद्र को कोई रक्षा नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, जब गए जहाँ हम रक्षित है तो हम भी क्यों ना यहाँ रहे, हमारा धन तो यहाँ से कोई हमारी रक्षा करके ले जाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम भी यहाँ रहेंगे। जब सुबह हुई तो उन्होंने वराहमिहिर आचार्य को बुलाया और कहा कि ये रथ में सपने के बारे में बताया, हे वराहमिहिर तुमने जो मुहूर्त रखा आज मुझे ज्ञान हुआ कि मुहूर्त में क्या श्रेष्ठता होती है, अगर दुर्भाग्य और दरिद्रता भी है तो हम देवता से लड़कर प्राप्त कर सकते हैं, इसका ज्ञान हमें और इस ज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह बात उन्होंने बताते हुए कहा। और उस देवांगना की जो सूर्य भगवान ने दी थी उस समय से वराहमिहिर आचार्य बहुत ही श्रेष्ठ आगे बढ़ते गए। बाद में महाराजा विक्रमादित्य को एक पुत्र हो पुत्र हुआ तो उन्होंने उस पुत्र की सभी ने जन्म कुंडली निकाली और कहा यह पुत्र 8 वर्ष की आयु में मर जाएगा, इसने 12 वर्ष की आयु में मर जाएगा, लेकिन वराहमिहिर आचार्य ने किस दिन किस तिथि किस समय मर जाएगा ये समय के साथ बता दिया, इस समय में मर जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा अरे यार ये लोग 18-12 वर्ष कह रहे हैं, तुम तो तिथि और वार के साथ नक्षत्र के साथ समय के साथ बता रहे, ये क्या है ऐसा है तो कैसे मरेगा। तो उन्होंने कहा कि यह वराह के हाथ तो मर जाएगा, यानी जिसे आप सुवर कहते हैं सुवर से मर जाएगा, सुवर इसे मार देगा। तो विक्रमादित्य ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा लोहे का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनवा लिया जिसमें ऊपर ले जाकर अपने बेटे को रख दिया और कहा उस दिन का इंतजार करेंगे कि मेरा बेटा कैसा हो सकता है, ऐसा मरेगा नहीं, ले जाकर रख दिया और वो समय आता चला गया। उसका बेटा ऊपर है, सुअर तो ऊपर जाएगा नहीं, मरेगा नहीं, कैसा मरेगा। वराहमिहिर आचार्य को बुलाया गया और अभी कुछ क्षण कुछ पल बाकी थे, जबकि समझो 15-20 मिनट का समय था। चलो वराहमिहिर आचार्य आपका ज्योतिष की गणना गलत होगी, देखिए मेरा बेटा वहां से सैनिक बोल रहे हैं कि वो जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ, आपका तो ये आपकी गणना आपका भविष्य गलत हो गया। वराहमिहिर आचार्य को लेकर जा रहे थे, वराहमिहिर आचार्य उस स्तंभ में जाने के लिए एक एक स्टेप करते एक एक महल करते हुए पार करते जाते, जैसे ही 6वें महल में गए वराहमिहिर आचार्य ने कहा तुम्हारा बेटा मर गया, रक्त से लथपथ है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या उन्होंने ऐसा ही सैनिकों कहा, हाँ तुम्हारा बेटा मर गया रक्त से लथपथ है, बात बता दिए। राजा भागते हुए गया, देखा सचमुच लड़का मरा हुआ पड़ा है, कहा सच है ये तो बात, मरने की बात तो सभी ने कही, लेकिन तुमने एक बात कही थी कि वराह से मरेगा। तो ने कहा राजा यह तुम मैं मरने से जीत गया, इस भाव से वो बाहर आ गया था और तुम्हारे इस स्तंभ पर एक बहुत बड़ा ध्वज तुमने लहराया था जो वराह के रूप से घर का लोहा फंडा था, तो वैसा ही बाहर आया, वो खंभा उसके सर पर गिरा और मर गया, उसके ऊपर वराह का चिन्ह था, देखो है या नहीं, और वराह से ही क्या मैं आज हमारे श्री शर्मा हो ये ज्योतिष शास्त्री प्रकांड पंडित के लिए ऐसी ऐसी भविष्यवाणी कर सकते हैं, बता सकते हैं इसका वर्णन क्या है, क्यों नहीं बता सकते, इसके पीछे क्या कारण है, ज्योतिष की गणना है तो सभी लोग करते हैं, आज हमारे ज्ञान को सराहनीय अपमानित किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है हमारे पास कि हम वो सटीक फल को नहीं बता सकते, हम सटीक फल बनाने की क्रिया नहीं है और इसको बनाने के लिए देवता की कृपा चाहिए और उस ऐसी देवता की कृपा चाहिए, देवता की कृपा चुकी होने से नहीं होती, देवता की ऐसी कृपा होनी चाहिए जो भविष्य का ज्ञाता, जो सूर्य के पास जानने वाला, जो अपने कम से कम आप दूसरों का भविष्य ना बोलो, आपका भविष्य तो आप जानो कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, अब यह नहीं जान सके तो दुख को तो भोगेंगे, डरते तो रहेंगे, डर तो आपके जीवन में बना ही रहेगा कि मेरा कल क्या होगा, मेरे घर का कल क्या होगा। यह बात जानने के लिए जिस देवांगना की साधना ने वराहमिहिर आचार्य ने किया उसके बाद यह साधना लुप्त हो गई। कहते हैं कि महाकवि कालिदास ने वराहमिहिर आचार्य को बहुत मान देते थे, राजा महाराजा विक्रमादित्य, कालिदास कवि थे लेकिन कालिदास को लगता था कि मेरे से भी ज्यादा मान उनको देते हैं, तो कालिदास ने बैठे बैठे क्या किया, एक ज्योतिष आवरण नाम का एक पुस्तक उन्होंने भी मार्गशीर्ष मास से लेकर कार्तिक मास में पूर्ण किया और मैं वराहमिहिर आचार्य से भी अच्छा ज्योतिष लिखने वाला हूँ, मेरे को अच्छा ज्ञान है, उन्होंने कहा और लिखने के लिए बैठ गए। विक्रमादित्य ने उस ज्योतिष आवरण नाम की उस पुस्तक को देखा, कहा कि कालिदास ने अच्छा ही लिखा है, लेकिन फलित ज्योतिष में आए तो वराहमिहिर आचार्य का कोई भी सामना नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा उनसे। कालिदास देखकर हतप्रभ रह गए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि तुम एक बात बता दो कि आज से 8वें दिन क्या होने वाला है,
मैं तुम्हें और वरानी आचार्य दोनों को भी ये बात देखता हूँ कि कौन सटीक इसका फल बोलता है। तुम्हारा टिकट सही है तो मैं वरानी आचार्य से भी तुम्हें आचार्य पति प्रदान दूंगा, प्रदान करूंगा, या नहीं तो कालिदास को प्रदान करूंगा। अब वहां कालिदास ने ज्योतिषी की गणना के साथ पूरी गणित व्याख्या की और उन्होंने कहा कि आज से आठवें दिन बहुत बड़ा तूफान आने वाला है या एक बहुत बड़ा तालाब में आसमान से तूफान से बहुत बड़ी मछली गिरेगी जिस मछली का वजन 52 किलो होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब जब ये बात वराहमिहिर आचार्य के पास आ गई तो वराहमिहिर आचार्य ने कहा कि उस वो मछली तो गिरेगी लेकिन उसका वजन 51 किलो होगा, 1 किलो कम होगा। तो उन्होंने कहा इसमें फर्क क्या पड़ता है, 51 किलो होगी 52 किलो? तो कहा उस मछली का क्या है, वो मछली जब आसमान से बादल में गिर जाएगी वह नगर पूर्ण ध्वंस हो जाएगा, ऐसा कालिदास जी ने भी कहा और वराहमिहिर आचार्य बाद में कहते हैं कि अगर यहाँ का राजा उस मछली को तालाब में गिरने से पहले ही रोक लेता है तो यह नगर बच सकता है, नहीं तो इस नगर का विध्वंस होगा। ये बात कालिदास ने नहीं बताई। तब उन्होंने कहा कि इसका उपाय क्या है कि हम उस मछली को तालाब में गिरने से बचाएं। तो वराहमिहिर आचार्य ने देवांगना से पूछा उस मछली को नीचे गिरने से कैसा बचा सकता है, तो कहा कि उस तालाब में सारे शूलों को रख दो बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर में, जब मछली गिरेगी शूलों पर गई तालाब में नहीं गिर जाएगी और मछली वहीं रहेगी, नगर नहीं होगा। इस बात को देखकर जो कालिदास ने कहा कि वराहमिहिर आचार्य से बढ़कर कोई नहीं है और मैं आपको ये बात कहना हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में ऐसे सटीक फल देने वाले ज्योतिषाचार्य अब नहीं है और आने वाले कल में भी रहेंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। आज हम नासिरनमल जी की प्रशंसा करते हैं या काल विज्ञान बोलने वाले ब्रह्मान वीर ब्रह्मण स्वामी की करते हैं और बहुत सारे ज्योतिषाचार्य जो अपने अपनी ज्योतिष के अनुसार करें, लेकिन उन्होंने उसका उपाय नहीं बताया कि इससे ये आने वाले संकट से हमारी वारना कैसे होगी या किस क्या करने से हमें। और जब तक ये नहीं बताते आदमी को डराने की कोशिश करता, अब मैं ज्योतिषी हूँ आपके पास अगर मेरे को पैसा ही आना है तो मैं आपको बोल दूंगा कि तुम्हारे भाई 9 ग्रह अच्छे नहीं है, तुम 8वें दिन मरने वाले हो, तुम कुछ भी करो, अगर तुम्हारे किस मरण से बचना है तो मैं फलाना चंडी हवन करो या कुछ करो, बोल दूंगा तुम्हारे पैसे आठ। ये बात मेरी क्रिया है, तुम्हें क्या पता कि ये कल के दिन होने वाला है नहीं होने वाला। जब तक आप इसका ज्ञान नहीं रखते, जब तक आप इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तब तक हमारे जीवन में क्या होने वाला है हम इस बात को नहीं जान सकते। और इस ज्ञान को जानने के लिए जिस साधना को करना है आप भी कह सकते हैं क्या यह साधना हम करेंगे या अपने जीवन में हो सकता है। तो यहाँ आप सब लोग जानते हैं पद्मक्का और वेंकटाचार्य जो अपने पास थे जिनका कड़वेंडी नाम की लक्ष्मण से बहुत पहाड़ पे उनका एक मंदिर है जो पहाड़ बहुत बड़े पहाड़ पे है और वहां शायद आप अगर कहो तो आज भी आप जाओ तो निर्जन प्रदेश है, अभी अभी बसें आने से के पहले बस भी नहीं थी। लेकिन मैं ये तुम्हें कहता हूं कि मुझे भी एक बार लगा कि क्यों मैं ऐसी देवांगना साधना करूं और मैंने वेंकटाचार्य जब थे आज संपन्ना के भाई भी है पद्मका भी है सब लोग वहां थे और मैंने उनसे कहा था कि मैं 8 दिन एक साधना करना चाहता हूं। और उनको तो आनंद ही था कि गुरु जी साधना करें, लेकिन एक शर्त पर मैंने कहा मैं केवल 1 कप दूध पीकर रहूंगा 8 दिन और आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे वो साधना करने दो। जैसे गुरु जी मैं मुंह मोड़ कर लो तो भाई हम 3 बार खाते हैं, आप दूध पे रहे तो हमारा काम क्या लगेगा, थोड़ा सा कुछ तो खा लो। आप अगर तो ऐसा कहता है मुझे साधना करने देता है तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं। मेरी सेवा उन्होंने की, मैं रोज 1 कप दूध पीता था। अब वो भी पद्माका को बहुत बुरा लगता था कि वो भी ठंडा दूध या गोमूत्र थोड़ा सा लेकर 1 कप दूध पीता था और 8 दिन मैंने वहां साधना की। यही देवांगना साधना आपको बता रहा हूँ जो देवांगना साधना मैं आपको उनको भी मैंने नहीं कहा कि क्या ये साधना कौन सी कर रहा हूँ, ये भी मैंने उनसे नहीं कहा। और 8वें दिन मैं पर्वत की श्रेणी पर रात में 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक रात में वहीं बैठा रहा। मैं आज पूरे गर्वपूर्ण गर्व के साथ और मेरे गुरु जी को साक्षी मानकर आपको कहता हूं देवांगना ने मुझे प्रत्यक्ष होकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ। आपने
अगर आप शक्ति रखते हैं 8 दिन दूर पर रहकर किसी पहाड़ पर जाकर आप साधना करने की शक्ति रखते हैं तो आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद की एक घटना बताता हूं। ऐसा है, मैं हमारे गोलीगुड़ा के घर में बैठा था, तो थोड़े परीक्षा लेने वाले तो कहीं भी होते हैं, एक बच्चे सूट बूट पहने हुए आदमी और एक उसके साथ और एक कोट बूट डाला हुआ आदमी, कई बाकी इधर उधर सुनकर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम फलाने फलाने जगह से आए हैं, मैं फलाने मिनिस्टर का पीए हूं और ये है, हमारी कोई दिक्कत है। बोले क्या? उन्होंने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही, बहुत दिन हो गया है मेरी शादी नहीं हो रही है और मैं आप अब अपने को क्या लगता है, मामूली कोई आदमी हो तो अपने ज्योतिष में लेकर उतना ही नहीं लेते, लेकिन अब जब वो इतनी दूर से अपने को पूछने के लिए आया और हम सच न बताए, मैंने वो आकर बैठा था और इस तरह रोड के साथ बैठा हुआ था, पूरे चेयर पीर डालकर बैठते हुए, आपको अगर मेरी शादी कब होगी बताते हैं तो बहुत श्रेष्ठता मैं मानूंगा, श्रेष्ठता से आपके करता हूँ, लेकिन सटीक बताना कि मेरी शादी, मैंने आपको नाम बहुत सुना है और आप अगर बताते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे लगा कि इसको डेट के साथ शादी के बारे में बताना है तो बड़ी परेशानी है। फिर मैंने जो साधना की उस मंत्र को, मंत्र की उपासना से उस देवता को बुलाया और कहा कि ये इसकी शादी कब होगी। उस देवता ने मुझे एक जब एक बात बताई तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये तेरे पास एक क्रिश्चियंस है और ये परीक्षा लेने के लिए आया। उसने कहा हाँ कि ये फलाना फलाना आदमी है, ये एक आदमी पास्टर है जो बैठा हुआ है और दूसरा आदमी जो है उसका साथी है, तेरी परीक्षा लेने के लिए आया। और उन्होंने जब ये बात बताई तब मुझे लगता आश्चर्य लगा और मैंने जो जवाब दिया वो उठकर 2 मिनट में नमस्कार करके चले गए कि हमारे से गलती हो गई। उन्होंने जो बात बताई कि ये शादीशुदा है, इसको ऑलरेडी एक बच्चा है, वो केवल केवल तेरी परीक्षा लेने आया। मैंने यही बात बताई कि तुम शादीशुदा हो, मेरी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारा एक बच्चा है। बाद में वो लोग मेरे पास नहीं है और कहते हैं कि बाद में उन्होंने उस धर्म को छोड़कर अपने हिंदू धर्म में ही बदनाम हुआ। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि हमारे पास साधनाओं में शक्ति नहीं है, ये बात मत करो। आप में शक्ति होनी चाहिए कि एक कप दूध पे एक आधा कप दूध पे रहने की शक्ति होनी चाहिए। हमारी संपन्ना को मैं तो एक कप दूध बुरी चाय डालने रेड कप बाल लाल नड़सला ये बोलते बुरी जब पंडकुंडे नड़सला जब सो गए तो चलता क्या। आगे साधना देने से पहले इनके प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, अब मैं उनको क्या बताऊं, अरे ये साधना ऐसी है इसको ऐसा ही करना है। मैं किसी को भी बोलूं आज सुबह से समझो मैं ये इस साधना के शक्तिपीठ की साधना मेरे पास 10 लोग आए, बोलिए हम देखते रहेंगे हमारा चक्र ही नहीं घूमा हम ये साधना करें या न करें। आगे चक्र आंखों में ऐनक लगा हुआ है और तू चक्र को घूमने के बाद तू घूम रहा है ये देख पहले तेरे आंखों में तो शक्ति हो, तू तो घूम रहा है, पहले आंखों से चश्मा उतार और बिंदु को देखने की क्रिया कर उसके बाद में तेरे एक बार गया दूसरी बार पहले चक्र नहीं घुमा दूसरी बार चक्र नहीं घुमा तो साधना नहीं करनी चाहिए क्या, तेरा बाप साधना नहीं करनी चाहिए। तो इनके प्रश्न यहाँ से आरंभ हो जाते हैं, वो एक मिनट भी सहन नहीं कर सकती कि उनको लगता है एक घंटा बिंदु को दे दिया इतना बड़ा चक्र नहीं घुमा। प्रयत्न करना हमारा, अरे किसी को एक घंटे में घूमते दूसरे को दूसरे घंटे में घूमेगा तुम देखते तो रहो, उसको उसकी सफर नहीं है, उसको गुरु के पीछे घूमना जरूरी है, चक्र घूमे या ना घूमे गुरु के पीछे घूमना जरूरी है। तो इस प्रकार जो क्रिया होती है, इस प्रकार की जो क्रिया है ये शिष्य को कुछ नहीं होता, गुरु को परेशान करने वाली प्रक्रिया है। तो ये साधना को साधना से ज्यादा अपने आप को साधना नहीं चाहते, अगर गुरु ने कहा है कि एक घंटे में घूमना है तो चक्र घूमना ही चाहिए, ये कुछ कैसे मिलेगा। आप एक बार चक्र को देखते रहो, सच्ची बात तो ये है कि आप चक्र को देखते आपके आंखों के पलक न मारते हुए आप चक्र की ओर देखते रहो, आपके आंखों में जब तक आंसू ना आए आंसू टपके नहीं तब तक देखो, आप देखते रहे और आपका आंसू टपका तो समझो कि आप साधना में सही। दूसरी बार आंख टपने से पहले चक्र नहीं घुमा तो मैं स्वयं बोलता हूँ कि मैं गलत कहा कर सकता है गुरु।
तो ये स्थिति ऐसी हो गई है कि गुरु के ऊपर एहसान करते हैं वो लोग साधना करके, अपने आपको नहीं लगते। जबकि मैं कहता हूं आपको कि मैं गुरु से उतनी दूर बैठकर मैंने साधना की और साधना की सफलता के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर नहीं आ नहीं होता तो आप यहां होते थे, आप यहां आते थे, या इतना आश्रम बड़ा होता था? मैं कोई मेरे गुरु ने कोई बड़ा कोई शक्तिपीठ या कोई पीठ नहीं रखा जो शंकराचार्य पीठों के बाद पीठ आ रहा है, कोई वैष्णव की पीठों के बाद पीठ आ रहा है। ये तो गुरु के नाम पर रखा हुआ एक साधना केंद्र, साधना का तपस करिए। आज मुझे जब आश्चर्य लगा कि आज सुबह एक वैष्णव स्वामी आए, वो उनके जगह घर में बैठे थे, वो आए, वो आकर कहने लगे कि प्रभु हम वैष्णव है, अब तुम्हारे को आश्चर्य की बात क्या बताऊं, ये महाराज हमारे पीछे जो खड़े हैं आप देखते हैं, हमारे शिवाजी महाराज, उन्होंने कल बात कहा कि हम तुम्हारे गुरु से मिलने आ रहे हैं। अरे सरफिरे लोगों को हमारे गुरु के पास कह के तो नहीं आना, उनको पहले बोल दिया। अब वो लोग चक्कर में, वो बड़ा महाराज और इनका जवाब ऐसा, तो उन्होंने क्या समझेंगे, टिकलो लगे इसको बोली हुआ। आप देखो वो क्या क्या बोले, क्या मैं मेरे से फोन करे तो वही आ जाओ तुम, आ जाओ मैं सुबह मिलता हूँ। वो सुबह आए, सुबह आके जब बात करने लगे तो मेरा एक बहुत दिनों का सपना था। मैं बहुत बार ये भी हमारे तारक श्रीनिवास जी के विश्व हिंदू परिषद में भी जब अयोध्या की बात छिड़ी तो उसके बाद में मैंने कहा था कि मैं मेरे उम्र के 16 साल में माता शारदा का मंदिर हुए तक मैं चाय नहीं पीऊंगा, ये बात मैं करके छोड़ दिया था। आज उस बात को घटना को लेकर जब वो गुरु पूर्णिमा के इस दिन में आए तो उन्होंने कहा कि उस शारदा पीठेश्वर जो जिनको जट की सिक्योरिटी है जो जम्मू कश्मीर में उस शारदा पीठ में रहते हैं, वो आज तिरुपति में आकर चार महीने का चातुर्मास करने वाले हैं और यहाँ जागरूक करने के लिए वो शारदा पीठेश्वर उसके करने वाले हैं और हम उनके अनुयायी हैं, हम वहां जा रहे हैं। वो रामानुजाचार्य के कल्ट के हैं और वो वहाँ आए हुए हैं, उन्होंने ये बात कही और कहा। तो मैंने उनको मेरी बात भी छेड़ते हुए कहा, मैं भी ऐसा गया था, इनसे बात किया हूँ तो मुझे सच्चाई करने की बहुत इच्छा है और मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है और मेरी साधना पर विश्वास है, अगर मैं वहाँ सच्चाई हवन करूंगा तो जरूर शारदा का मंदिर होगा। समझो कि गुरु प्रेरणा है या क्या है। उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, जो चातुर्मास के महाराज आएंगे